आज सेकंड डे है, तो आज देखें कि यहाँ पे आसपास में जितना भी फोर्ट है घूमने के लिए जाएंगे, तो पहले अभी हम जाएंगे सुबह स्कूटी या कार कुछ रेंट में मिले तो उसको ले लेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। तो अभी ब्रेकफास्ट हो गया, अब हम निकल रहे हैं, चलो मिलते हैं। राजस्थान बाइक की और दो बाइक हमें बुक की है, एक स्कूटी है और एक पल्सर है। जयपुर घूमने के लिए आप बाइक और स्कूटी रेंट में ले सकते हैं, जहाँ की स्कूटी 500 रुपये पर डे है और बाइक 800 रुपये पर। बाइक लेने के बाद हम जयपुर का फेमस फूड प्याज कचौड़ी खाने पहुँचे रावत। यहाँ पे आना बहुत ही मुश्किल है, अगर आप बाइक से आ रहे हो तो आना मत, स्कूटी है तो अच्छा है, लेकिन बाइक से यहाँ पे आना बहुत ही दिक्कत है। ये इतना ऊपर है कि बाइक चल ही नहीं रहा, हम दोनों भी पल्सर लेके आए थे, बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं। और हमारे दो दोस्त लोग बहुत स्कूटी से आए तो बहुत जल्दी पहुंच गए, इसलिए स्कूटी बेस्ट है यहाँ पे। यारा वही रास्ता जिस रास्ते से हम अभी आए देख रहे हो, और यह पूरा राजस्थान जयपुर बहुत ही मुश्किल रास्ता है। जयपुर के संस्थापक महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा इस किले का निर्माण वर्ष 1734 ईस्वी में किया गया था। इस किले का निर्माण राजा को ग्रीष्म काल में गर्मी से बचाने के लिए ठंडे निवास के रूप में किया गया था। यह किला महाराजा द्वारा बनवाए गए 3 किलों में से प्रथम था। इस किले का मूल नाम सुदर्शनगढ़ था, जिसे बाद में कुछ परिस्थितियों को देखते हुए नाहरगढ़ में बदल दिया गया, जिसका मतलब होता है बाघों का निवास। वर्तमान में इस किले का पुराना ढांचा अब खंडर बन चुका है, परंतु महाराजा द्वारा 19वीं शताब्दी में बनवाया गया महल अब भी अच्छे हालात में मौजूद है। तो दोस्तों, आज हम इसी नाहरगढ़ किले के बारे में कुछ रोचक तथ्य डिस्कस करेंगे। इस विश्व प्रसिद्ध किले का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा वर्ष 1734 ईस्वी में किया गया था। यह किला एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जिस पर इसकी दीवारें भी फैली हुई है, जो इस किले को जयगढ़ से जोड़ती है, जो अंबर की पुरानी राजधानी था। यह किला भारत में सबसे ऊंचाई पर बनाए गए किलों में से एक है। यह किला अरावली पर्वत श्रृंखला पर बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इस किले का उपयोग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान किया गया था। महाराजा ने इस किले में स्थानीय यूरोपीय ब्रिटिशों और उनकी पत्नियों को रहने की अनुमति प्रदान की थी। वर्ष 1868 ईस्वी में महाराजा साई राम सिंह के शासनकाल के दौरान इस किले का मजबूती देने के लिए विस्तार किया गया था। वर्ष 1883 से 1992 ईस्वी के मध्य में इस किले में गढ़ पटेल की सहायता द्वारा 3.5 लाख रुपए की लागत वाली एक श्रृंखला बनाई गई थी। इस किले के भीतर महाराजा स्वाई माधव सिंह द्वारा बनाया गया माधवेंद्र भवन उनकी जयपुर की रानियों के शयन कक्ष थे। यह कक्ष गलियारों से जुड़े हुए हैं, जिनकी अभी भी कुछ नाजुक भित्ति चित्र वहां पर मौजूद है।
जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट राजा सवाई जय सिंह सेकंड ने 1726 में आमेर या अंबेर के किले से थोड़ी दूरी पर बनवाया था। यदि डिस्टेंस की बात करें तो जयपुर शहर से इस किले की दूरी करीब 15 किलोमीटर है। कहा जाता है कि जय सिंह ने ये फोर्ट आमेर के किले और नाहरगढ़ किले की रक्षा के लिए बनवाया था। राजस्थान में अरावली माउंटेन रेंज में स्थित एक हिल पर बनाया गया ये फोर्ट आमेर फोर्ट से 400 मीटर ऊंची पहाड़ी पर सिचुएटेड है, जिससे यहाँ से दूर तक एक पैनोरामिक व्यू मिलता है। दोस्तों, राजपूत के एक क्लैन कछवाहास ने 10th सेंचुरी में आमेर में अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया था। उससे पहले तक आमेर को ढूंढार कहा जाता था। फोर्ट की कई खासियत है, जिनमें से एक है इसकी जयवाण कैनन। कहा जाता है कि जयवाण कैनन दुनिया की ऑन द व्हील सबसे बड़ी कैनन है, जिससे केवल एक टेस्ट फायर किया था और तालाब बन गया था। उसके बाद से वो कभी नहीं चलाई गई। ये कैनन अब भी जयगढ़ फोर्ट में रखी हुई है। सवाई जयसिंह द सेकंड ने इस फोर्ट के अलावा जयपुर को भी एस्टेब्लिश किया था। जयपुर और इस फोर्ट के अलावा जंतर मंतर को भी जयसिंह द सेकंड ने ही बनवाया था।